मैंने हेयर स्ट्रेटन करा लिया है, अब मैं इसकी केयर कैसे करूंगी। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई है कि आप केयर कैसे करोगे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है हेयर स्ट्रेटन के लिए। एक तो सेल्फिट फ्री शैम्पू कंडीशनर यूज करना है आपको, कंडीशनर की जगह मास्क यूज करोगे तो बहुत बेस्ट है। केयरलॉस का शैम्पू कंडीशनर है, ये स्पेशली हेयर स्ट्रेटन के लिए बना हुआ है। पहले करना है आपको शैम्पू, शैम्पू लगाने के बाद अच्छे से पानी डालने के बाद शैम्पू लेना है आपको, अच्छे से ऐसे करना है अपने बालों में। अच्छे से लगाने के बाद शैम्पू करने के बाद अच्छे से आप पानी से पानी डालोगे, अच्छे से शैम्पू निकलने के बाद अच्छे से बालों को निचोड़ने के बाद आप मास्क लोगे दोनों हाथों में। मास्क लेने के बाद मास्क आपको ऐसे अप्लाई करना है, जड़ों में मास्क नहीं लगाना। अगर जड़ में भी लगाते हो मास्क तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट उसको अच्छे से वॉश करना है। अगर आपके बालों में ये मास्क रह जाता है तो डैंड्रफ हो सकता है, आपके बाल गीले रहेंगे तो भी खराब हो सकते हैं। और स्पेशली हेयर स्ट्रेटन वाले बालों को गीले आपको बांधना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सारी डिटेल दी है कि आप स्ट्रेटन को आप कैसे केयर करोगे, तो मैं इस बारे में भी आपको सारा डिटेल्स दे रही हूँ कि आपको गीले बाल बांधने नहीं है, स्कूटी पे नहीं ज्यादा यूज करना है। अगर आप स्कूटी पे बैठते हो तो बाल बांधने हैं। सेकेंड, अगर आपको ऐसे ही स्ट्रेट बाल चाहिए तो आपको नॉर्मल सा स्ट्रेट ड्रायर कराना पड़ेगा, तभी ये होगा, क्योंकि मैम के बालों में सिर्फ केराटिन हुई है और मैम के बाल वेवी हैं और केराटिन से आपके बाल स्ट्रेट नहीं हो सकते। और मैम की स्मूथनिंग इसलिए नहीं हो सकती थी, मैम के ऑलरेडी पहले कलर वाले बाल थे, कलर वाले बालों में स्मूथनिंग हो ही नहीं सकती। अगर आप मैम के बालों में स्मूथनिंग कर दे तो मैम के बाल खराब हो सकते हैं। तो मास्क के बाद आपको करना है कॉम्ब। कॉम्ब कैसे करोगे, सीरम भी आप यूज कर सकते हो, नॉर्मल लाइट गीले बाल है आपने टॉवल से अच्छे से किया। सेकेंड, आपको पहले ऐसे कॉम्ब करना है नीचे से, फिर आप ऊपर जाओगे, फिर आपको अंदर से अच्छे से कॉम्ब करना है, क्योंकि ये वाला जो कॉम्ब का जो ये वाला पार्ट होता है वो स्ट्रेटन को अलग करता है। ये देखिए ऐसे, तो बहुत अच्छी बात है। मैम ने मेरे से पूछा कि मैंने स्ट्रेटन तो लगवा ली है, मैं केयर कैसे करूंगी, तो मैंने आपको केयर बता दी है कि आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, शैम्पू मास्क देन कॉम्ब। स्ट्रेट चाहिए तो ड्रायर कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेटन नॉर्मल स्ट्रेट होते हैं अगर आप नहीं भी करोगे, मगर अगर आप ड्रायर नहीं करोगे तो आपके खुद के बाल अलग दिखेंगे और स्ट्रेटन अलग दिखेंगे, क्योंकि मैम के बालों में स्मूथनिंग नहीं है। तो मैंने आपको सारी केयर बता दी है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो हेयर स्ट्रेटन रिलेटेड आप मुझे डीएम कर सकते हो, सो आप देख सकते हो। क्यों मैम, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कॉल कर सकते हो। बैक साइड दिखा देती हूँ, मान के बालों में हेयर स्ट्रेटन में कोई पैच नहीं है, इक्वल कलर है, आप देख सकते हो। आप ये भी नहीं बताओगे कि स्ट्रेटन कौन सा है और ओरिजिनल हेयर कौन सा है, आप पोनीटेल कर सकते हो, सब कुछ इन बालों में कर सकते हो, एंड डेंसिटी भी आप देख सकते हो, सो आप देख सकते हो।